2024 के बोर्ड परीक्षा में साइंस का एक सवाल पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होगा, लिखिए। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को छोड़ दिए क्योंकि उन्हें याद नहीं था, वो लिख ही नहीं पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विथ ट्रिक कि आप कैसे आजीवन याद रख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपके पास प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखें, ये आपके पास प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे वातावरण से CO2, सूर्य से प्रकाश, जड़ से खनिज लवण, जल लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधों को चार चीज की जरूरत होती है। CO2 चाहिए जो कि वातावरण से आता है, H2O चाहिए जो कि जल से प्राप्त हो जाता है, सूर्य की प्रकाश सूर्य से मिल जाती है, क्लोरोफिल उसके पत्तियों में पाया जाता है। ये चार चीज अगर पेड़ पौधों को मिल जाए तो स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि समीकरण लिखिए। तो जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर समीकरण क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या दिया, तो CO2 दिया, तो सबसे पहले आप CO2 लिख लेंगे। एकदम विथ लॉजिक समझाते हैं, आजीवन आप याद रखेंगे, कभी भूल नहीं सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद आपने क्या दिया, तो जल की प्राप्ति हो गई है ना, जल आपने दिया तो जल आप लिख लिए। उसके बाद सूर्य की प्रकाश इसको मिल गया, सूरज से मिल गया, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे ही इतना चीज को मिला तो ये CO2 H2O ये दोनों के बीच अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया के फल स्वरूप यहां पर बनेगा C6H12O6। ये है आपका ग्लूकोज यानी पेड़ पौधों का मीठा वाला भोजन यानी खूबसूरत भोजन। जी हाँ, ये ग्लूकोज बनाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन देता है मानव के लिए और फिर H2O का निर्माण होता है। तो ये रहा रासायनिक समीकरण, लेकिन ये समीकरण थोड़ा सा अभी अधूरा है। इसको पूरा कैसे करना होगा, वेरी सिंपल, आराम से इसको आप पूरा कर सकते हैं। आपको एक पहाड़ा पढ़ना है, आपने बचपन में एक पहाड़ा जरूर सीखा होगा, पहाड़ा 6 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। जी हाँ, पढ़िए पहाड़ा 6 का 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर 6 हो गया तो 6 का 6। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 6 दूना 12, 6 का 6, 6 दूना क्या होता है, तो 12 होता है, तो आप यहाँ पर 12 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, फिर आपको 6 का 6 लिखना है और फिर एक बार यहाँ पर 6 का 6 लिख देना है। इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण आपका पूरा हो गया, बैलेंस हो गया, और यही आपको एग्जाम में भी लिखना है। बताइए कितना वेरी सिंपल है, कितना आसान है इसको लिखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।